ये मशरक आज मैं आपको एक बात बताऊंगा जो मैंने रिसेंटली सीखी और समझी। इट्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, और आपकी मर्जी, आप समझें ना समझें, लेकिन मुझे तो वो बात बहुत पते की लगी। इट रियली हिट मी डीप। तो बात यह है कि इंटरनेट पे जितने भी क्रिएटर्स होते हैं, दे रियली सेलिब्रेट दीज फॉलोअर माइलस्टोन्स। 1 लाख सब्सक्राइबर, 10 लाख सब्सक्राइबर, फॉलोअर, हर जगह। लेकिन रिसेंटली मैंने ये सीखा है, समझा है कि हैविंग अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ पीपल हु कनेक्ट विद यू इज वे बेटर देन हैविंग मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स जो बस ऐसे ही देखते हैं आपको। इट्स फन टू वॉच। तो आई गिव यू एन एग्जाम्पल। फर्ज करें कि आपका एक इंस्टाग्राम पेज है और आप एक डॉक्टर हैं और आप मेडिसिन रिलेटेड कॉन्टेंट बनाते हैं, प्रिकॉशंस और इस तरह की बातें सारी, और आपकी छोटी सी फॉलोइंग है 2,000 लोगों की जो आपको फॉलो करती है क्योंकि दे आर इंटरेस्टेड इन आइदर बिकमिंग डॉक्टर्स या फिर उनको वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आपको भी ऐसा फील होता है कॉमेंट्स पढ़ के, फीडबैक पढ़ के, कि यू आर रियली प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू दीज पीपल। लेकिन कोइंसिडेंटली आप बहुत गुड लुकिंग भी हैं और अब आपको बहुत से नए लोग इसलिए फॉलो करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि आप उनकी क्रश हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी थिंग यू मेक, दे जस्ट वॉन्ट सी योर फेस। वो हाय अल्लाह कितना हैंडसम। तो इस तरह की अगर ऑडियंस आपके पास आती जाए आती जाए आती जाए, तो सूनर और लेटर आपका कंटेंट बनाने का दिल नहीं जाएगा। मेक सेंस? आई होप इट मेक सेंस। तो एंड में समरी ये है और सवाल ये है कि वुड यू वॉन्ट अ डेडिकेटेड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी विच इज़ इंटरेस्टेड इन वॉट यू मेक, उनको लगता है कि आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका फीडबैक बड़ा रेलिवेंट होता है, इट हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर वर्क, या फिर यू वॉन्ट ह्यूज नंबर्स एंड अ कम्युनिटी दैट डजेंट रियली प्रोवाइड एनी वैल्यू? क्या आप पसंद करेंगे? साथ बी ऑनेस्ट एंड लेट मी नो। तो आखिर में एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है आपके लिए और इसका जवाब आप मुझे बताइएगा कि मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ सो आई कैन इम्प्रूव माई फोटोग्राफी। मुझे तस्वीरें खींचना पसंद है, लेकिन मैं दुनिया की सबसे अच्छी तस्वीर खींच लूँ, उस पर कम लाइक्स आएंगे, और अगर मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एफिल टावर के सामने, और कपड़े बड़े ऑन पॉइंट हैं, जूते भी बड़े बैंगर लग रहे हैं, उस पर ज़्यादा लाइक्स आएंगे। तो एक पॉइंट के बाद आपको ऐसा लगता है कि आई शुड जस्ट स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फोटोग्राफी एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन हाउ आई लुक, द क्लोज आई वेयर, और मैं पोज कैसा कर रहा हूँ और जॉ लाइन कैसी नज़र आ रही है। तो आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं रहता टू इम्प्रूव योर वर्क एज अ एस्पायरिंग फोटोग्राफर। तो क्या करें, आप मर जाएं? इतनी मुश्किल से मैंने अपना रूटीन ठीक किया था, सोचा था आज थोड़ा जाग लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बारसा को देखेंगे जीतते हुए। To the top of La Liga ये तो Santander. प्रैंक हो।